hello students how are you all I'm sure you all are fine and safe at your home so students in computer are today's topic is working with flash cs3 so let's start the chapter learning objectives starting flash workspace and its components setting documents properties draw an object and group outline with fill applying gradient fill creation of a new gradient editing. And object importing graphics animation in Flash. Flash is an animation software package which was developed by Adobe Systems. It provides a quick and easy way for creating animations. It is a powerful tool which helps you to insert animation and interactivity in various websites. Animations and graphics created using Flash can be scaled to any size without loss of clarity or quality. बच्चों Flash क्या है एक आपका animation software package है जिसमें जिसको डेवलप किया गया था किसके द्वारा Adobe सिस्टम्स के द्वारा ठीक है ये प्रोवाइड करता है एक क्विक एंड easy वे फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन ठीक है ये एक पावरफुल टूल है जिसको जिसमें आपको हेल्प की जाती है टू इंसर्ट एनिमेशन एंड इंटरक्टिविटी इन वेरियस वेबसाइट ठीक है एनिमेशन और ग्राफिक जो है क्रिएट किए जाते हैं यूजिंग फ्लैश और इसमें इनके जो साइज वगैरह होते हैं वो भी उनकी क्लैरिटी और क्वालिटी लूज़ किए बिना आप उन्हें क्या कर सकते हो यूज़ कर सकते हो फ्लैश में स्टार्टिंग फ्लैश फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू स्टार्ट फ्लैश स्टेप वन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन स्टेप टू चूज ऑल प्रोग्राम्स स्टेप थ्री क्लिक ऑन द अडॉप फ्लैश सी एस थ्री प्रोफेशनल द फ्लैश स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड स्टेप फोर सेलेक्ट फ्लैश फाइल एक्शन स्क्रिप्ट थ्री पॉइंट ओ अंडर क्रिएट न्यू ऑप्शन इट विल ओपन अ न्यू ब्लैंक फाइल अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप फ्लैश को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर जाना है उसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स पर जाना है उसके बाद आपको क्लिक करना है ऑन अडॉप फ्लैश सी प्रोफेशनल ठीक है आपके सामने एक फ्लैश स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी ठीक है फिर आपको सेलेक्ट करना है फ्लैश फाइल अंडर क्रिएट न्यू ऑप्शन ठीक है उसके बाद आपके सामने एक ब्लैंक फाइल न्यू ब्लैंक फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी वर्क स्पेस एंड इट्स कॉम्पोनेट द वर्क स्पेस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिफरेंट फ्लैश कॉम्पोनेंट लाइक टूल्स पैनल कंट्रोल पैनल प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर एंड स्टेज द स्टेज इट इज अटेंगुलर वर्क स्पेस एरिया प्रेजेंट एट देंटर वेयर द कंटेंट आर प्लेस्ड और ड्रॉइंग एंड मूवीज आर क्रिएटेड The stage size is 550 into 400 pixels by default. The gray area that surrounds the stage is known as the work area where the contents can be placed and animated. Menu. It consists of controls for common functions and commands example open close save a document etc. Tools panel. It consists of a set of tools for drawing, painting, selecting and modifying objects. In the workspace. The tools panel has four main parts. The tool sections contains tools which are needed for drawing, painting, and selecting objects. The view section contains tools required for zooming and panning the application window. The colors section contains modifier for selecting colors for the shape which draw with the help of stroke and fill color picker. तो बच्चे सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्लैश के वर्क स्पेस और उसके कॉम्पोनेंट की ठीक है जब आपके सामने उसका प्रीफेस इंटरफेस ओपन हो जाता है तो वहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेज देखने को मिलता है स्टेज जो है एक आपका रेक्टेंगुलर वर्क स्पेस एरिया है जहाँ पे आप क्या करते हो अपने कंटेंट को प्लेस करते हो ठीक है या फिर आप अपने ड्रॉइंग को वहाँ पर ड्रॉ करते हो या फिर वहाँ पर आप अपनी क्या करते हो मूवीज़ को क्रिएट करते हो ठीक है इसका साइज यहाँ पर दिया गया है कि इसका साइज फाइफी फिफ्टी और 400 पिक्सल तक होता है बाय डिफॉल्ट ठीक है जो ग्रे एरिया है वो सराउंडेड होता है आपके स्टेज के चारों तरफ ठीक है जिसमें आप क्या कर सकते हो अपने कंटेंट को प्लेस कर सकते हो या उनको एनिमेट करवा सकते हो नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेन्यू मेन्यू में आपको पता ही है कि सारी की सारी कमांड सारे के सारे कॉमन फंक्शन होते हैं जैसे कि ओपन क्लोज सेव और डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा टूल्स पैनल जो होता है इसमें आपके सारे टूल्स होते हैं जिसको आप ड्राइंग के लिए पेंटिंग के लिए या फिर सेलेक्ट करने के लिए मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हो ठीक है अब इसके भी फोर मेन पार्ट्स है कौन कौन से हैं सबसे पहला होता है इसमें टूल्स सेक्शन जिसमें आपके टूल्स कंटेन होते हैं जो कि आपको ड्राॅइंग पेंटिंग और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करना होता है नेक्स्ट आ जाता है आपका व्यू सेक्शन ठीक है इसमें आपके टूल्स होते हैं जो कि आप जूम करने के लिए या पैनिंग करने के लिए अप्लाई करते हो ठीक है इसके बाद आता है आपका कलर सेक्शन जिसमें आपके तरह तरह के कलर्स होते हैं जिनको आप सेलेक्ट करते हो किसके लिए कलर्स को चूज करने के लिए फॉर द शेप विच ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोक एंड फिल कलर पिकर द ऑप्शन सेक्शन डिस्प्लेज द मॉडिफायर फॉर द टूल्स दैट आर इट इज अ फिक्स विंडो विच रिमेन्स ऑन द टॉप ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट इन दर्क स्पेस इट इज द स्पेस वेयर एलिमेंट्स एंड ग्राफ्स आर असेंबल्ड इन अ अवेंशियल वे The main components of timeline are layers, frames and the playhead. Timeline is a ruler kind of strip called frames and also a field labeled as layer 1. Frames animation in flash are created using frames. They are the rectangular cells which are displayed on the timeline. Each frame has a number that can be found on the top of timeline. A frame shows the movie content at a particular moment of time. Keyframes they are special kind of frames where some changes to an object's property are defined like colors, shapes, position, etc. Length of a twin end animation can be changed by dragging the keyframe in timeline. तो बच्चों यहाँ पे और हमें इसके टूल्स बताए गए हैं जैसे कि आपका ऑप्शन सेक्शन होता है ये डिस्प्ले करता है मॉडिफायर फॉर द टूल्स जो कि आपने करंटली क्या किए होते हैं चूज किए हुए होते हैं टाइम लाइन जो होती है वो एक आपकी फिक्स विंडो होती है जो कि आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो होती है वो रहती है तब तक जब तक आपका ऑब्जेक्ट रहता है ठीक है आपके वर्क स्पेस में ये एक स्पेस होता है जहाँ पे आपके एलिमेंट्स और ग्राफ को असेंबल किया जाता है एक सिक्वेंशल वे में ठीक है इसके मेन कॉम्पोनेंट होते हैं आपके टाइम के क्या क्या होते हैं लेयर होती है फ्रेम्स होती हैं प्ले हेड होता है ठीक है और टाइम जो होती है वो एक तरह का आपका रूलर काइंड होती है स्ट्रिप का जो कि आपके फ्रेम्स और आपकी फील्ड लेबल कहलाती है एज ए लेयर वन अब फ्रेम्स क्या होते हैं एनिमेशन इन फ्लैश आपके क्रिएट किए जाते हैं यूजिंग फ्रेम्स मतलब जितने भी आप एनिमेशन वहाँ पे क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आप फ्रेम के थ्रू ही उन्हें क्रिएट करते हो ये आपके रेक्टेंगुलर सेल में होते हैं जो कि आपके डिस्प्ले होते हैं कहाँ पे टाइमलाइन पे ठीक है हर फ्रेम जो होता है उसका क्या होता है एक नंबर होता है जो कि फाउंड होता है आपके टाइमलाइन के टॉप पे ठीक है एक फ्रेम जो होता है वो आपके मूवी कंटेंट को शो करता है इन अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम नेक्स्ट आ जाता है हमारा की फ्रेम्स ठीक है ये एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्रेम्स होते हैं जहाँ पे आपके कुछ चेंजेस अगर आपको करने हैं किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो जैसे कि कलर आप डिफाइन कर सकते हो शेप्स को चेंज कर सकते हो पोजीशन को उसकी चेंज कर सकते हो ठीक है इस तरह से और जो लेंथ होती है उसकी एनिमेशन की वो चेंज की जाती है बाय ड्रैगिंग द की फ्रेम इन टाइम लाइन लेयर्स दे आर लाइक मल्टीपल फिल्म स्टेप्स विच आर एक्स्ट्रैक्टेड ऑन ईच अदर Each of them contains a different image which appears on the stage. Layers have their own timeline with endless frames. It can be defined as an independent movie of a single level. Playhead. It depicts the current frame which can be displayed on the stage. It moves through the timeline from left to the right side. The properties inspector. इट इज़ अ पैनल विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज सेलेक्टेड सिंबल टेक्स्ट इमेज लाइन एक्सेट्रा चेंजेस कैन बी मेड इन द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और डॉक्यूमेंट इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर अब बच्चों आगे और इसके टूल्स बताए गए हैं जैसे कि लेयर है लेयर जो होते हैं वो आपकी मल्टीपल क्या होती हैं फिल्म स्ट्रिम्स होती है ठीक है जो कि एक्स्ट्रैक्ट होती हैं एक दूसरे के ऊपर अब इसमें आपके क्या होते हैं हर एक लेयर में डिफरेंट इमेज होती हैं जो कि अपेयर होते हैं कहाँ पर आपके स्टेज पर ठीक है लेयर जो होती है उनका अपना टाइम लाइन होती है उसमें आपके एंडलेस फ्रेम्स के साथ वो आती है ठीक है और ये डिफाइन करती है एज एन इंडिपेंडेंट मूवी ऑफ अ सिंगल लेवल अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्ले हेड ये आपका डिपेक्ट करता है करंट फ्रेम को जो कि डिस्प्ले होता है ऑन द स्टेज ठीक है ये मूव करता है थ्रू द टाइम लाइन लेफ्ट टू राइट साइड नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर ठीक है ये एक तरह का आपका पैनल होता है जो कि आपके प्रॉपर्टीज को दर्शाता है ऑफ अ ऑब्जेक्ट जो कि सेलेक्टेड होता है ठीक है अब आप उसका सिंबल सेलेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट इमेजेस लाइन वगैरह आप सेलेक्टेड करते हो और फिर क्या करते हो चेंजेस को वहाँ पे मेड किया जाता है किया जाता है मतलब उनको चेंजेस को किया जाता है इन द एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर किसी डॉक्यूमेंट को जो आप डालते हो वहाँ पे उसको प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के थ्रू चेंज किया जाता है सेटिंग डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू सेट द फ्रेम रेड कलर बैकग्राउंड एंड रूलर यूनिट्स स्टेप वन क्लिक ऑन फाइल न्यू The new document dialog box will appear on the screen. Step 2 choose Flash File Action Stripped 3.0. Options from the type list, click OK. Step 3 choose Modify Document. The document property dialog box will be displayed. Step 4 For changing the frame rate, set the movie speed in frames per second. The frame rate is 12 FPS by default. Step 5 for specifying the stage size in pixel, enter the value for width and height in the corresponding text boxes in the dimension section. Step 6 for setting the background color of the document, select a color of your choice from the background color swatch. Step 7 for setting the stage size to the maximum available print area, select the radio button.

फाइल न्यू पे जाना है उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स जो है वो आपके सामने अपेयर हो जाएगा स्क्रीन पे ठीक है आपको वहाँ पे फाइल फ्लैश फाइल को क्या करना है चूज़ करना है ठीक है उसके बाद आप ऑप्शन में जाएंगे कहाँ पे टाइप लिस्ट में और फिर उसमें क्या करेंगे ओके okay करेंगे नेक्स्ट आप जाएंगे मॉडिफाई पे ठीक है मतलब मॉडिफाई को आप चूज़ करेंगे उसके बाद आप डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी बॉक्स जो होगा वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा ठीक है उसमें आप अपने फ्रेम रेट को चेंज करेंगे ठीक है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अपनी मूवी स्पीड को फ्रेम में आपको चेंज करना पड़ेगा ठीक है आपको बताया गया कि यहाँ पर आपके फ्रेम रेट जो होता है वो ट्वेल्व एफ होता है बाई डिफॉल्ट ठीक है इसको ही आपको चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस नेक्स्ट आप जाएंगे अगर आपको स्पेसिफाई करना है स्टेज साइज को इन पिक्सल तो आपको एंटर करनी पड़ेगी वैल्यू अगर आपको उसकी चौड़ाई चाहिए या उसकी हाइट आपको घटानी है या बढ़ानी है तो वहाँ पे आपको वैल्यूज़ को डालना पड़ेगा नंबर्स को डालना पड़ेगा इन द कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बॉक्स जो कि कहाँ पे होता है आपके डायमेंशन सेक्शन में होता है ठीक है अगर आपको बैकग्राउंड कलर को सेट करना है ऑफ द डॉक्यूमेंट तो आपको कलर को सबसे पहले क्या करना होगा सेलेक्ट करना हो पड़ेगा ठीक है वो आप कोई भी अपनी चॉइस का कलर चूज कर सकते हो बैकग्राउंड कलर्स को स्वैच करने के लिए सेवंथ में आप जाओगे कहाँ पे अगर आपको स्टेज साइज को सेट करना है टू द मैक्सिमम अवेलेबल प्रिंट एरिया तो आपको क्या करना पड़ेगा सेलेक्ट करना पड़ेगा रेडियो बटन प्रिंटर को फ्रॉम द मैच सेक्शन उसके बाद आप चूज करेंगे यूनिट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ रूलर यूनिट ठीक है उसके बाद आप क्लिक करेंगे ओके okay पे आफ्टर जब आपके सारे के सारे जो आपके रिक्वायर्ड ऑप्शन है वो जब आप उनको सेट कर लोगे तो आप उसके बाद क्या करोगे ओके okay पे Click now. Draw an object and group outline with fill. When drawing are created in Flash, two objects are created the fill and the outline. For modifying multiple elements as a single object, they have to be grouped. Step 1 choose the pencil tool and then select green as the stroke color and fill color. Draw the stem of a flower as shown in the figure step 2 select the selection tool and then move the pointer to the stem of the flower a curve will be displayed below the arrow hold down the left mouse button and then drag the lines for giving an appropriate shape step 3 choose the pencil tool and select the smooth mode from the options section step 4 choose red as the stroke color and fill color and draw the curves of the flower top as Shown. Step 5 choose the paint bucket tool and click inside the flower top. In the same way, fill green color in the stem. Step 6 choose the selection tool and then double click on the flower top. Now drag the flower top over the flower stem. Step 7 select the selection tool and choose the flower by dragging around the tree. अब बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया कि कैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करोगे फिर उसके जो आउटलाइन होती है या जो उसका अंदर होता है उसका एरिया वहाँ पे आप कलर फिल करोगे ठीक है जब आप कोई भी ड्राइंग क्रिएट करते हो फ्लैश में तो आपके दो ऑब्जेक्ट्स को आप क्या करते हो क्रिएट करते हो ठीक है इसमें आपका पहले फिल करते हो फिर आप उसकी आउटलाइन को चेंज करते हो तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैसे हम अपने सिंगल ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं सबसे पहले आपको पेंसिल टूल को चूज़ करना है ठीक है उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है ग्रीन एज द स्ट्रोक क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि अगर आपको सपोज स्टेम बनानी है या कोई ट्री बनाना है तो उसके लिए आपको क्या कलर चूज करना पड़ेगा ग्रीन कलर चूज करना पड़ेगा फिर आपको क्या करना होगा कलर फिल को चूज़ करना होगा ठीक है उसके बाद आप क्या करेंगे एक स्टेम को ड्रॉ करेंगे ऑफ अ फ्लावर जैसे कि आपको फिगर में दिखाया हुआ है उसके बाद आप सेलेक्ट select करेंगे सिलेक्शन टूल और फिर उसको मूव करेंगे जो भी आपका पॉइंटर होगा उसको मूव करेंगे फ्लावर के स्टेम के आसपास ठीक है फिर एक कर्वस सा आपके सामने क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा बिलो द एरो आपको होल्ड डाउन करना है लेफ्ट माउस को बटन को और उसको ड्रैग करके ले जाना है और फिर क्या करना है आपको अपनी लाइंस को ड्रॉ करना है इन एन अप्रोप्रिएट शेप फिर आपको फिर से क्या करना है पेंसिल टूल को चूज़ करना है ठीक है उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है स्मूथ मोड फ्रॉम द ऑप्शन सेक्शन उसके बाद आप चूज करेंगे रेड एज द स्ट्रोक कलर ठीक है उसके बाद आप कलर फिल करेंगे एंड आप कर्व्स को ड्रॉ करेंगे ऑफ द फ्लावर टॉप एज शोन उसके बाद आप पेंट बकेट टूल को चूज करेंगे क्योंकि अब आपको क्या करना है कलर को फिल करना है ठीक है फिर आप उस फ्लावर टॉप के इनसाइड जब आप क्लिक करेंगे इन सेम वे जैसे आपने फिल किया था ग्रीन कलर इन द स्टेम ठीक है उसके बाद आप चूज करेंगे सलेक्शन टूल को एंड देन आप करेंगे डबल क्लिक ऑन द फ्लार टॉप फिर आप ड्रा करके लेके आएंगे उस फ्लार को ओवर द फ्लार स्टेम ठीक है आपको स्टेम और फ्लावर को अलग अलग बनाना है तो फिर जब आपका अलग अलग कलर फिल हो जाएगा उसको आपको एक साथ लेके आना है फिर आप फिर से सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करेंगे और आप चूज करेंगे फ्लावर को बाय ड्रैगिंग अराउंड द ट्री अप्लाइंग ग्रेडिट फिल ग्रेडिंट रिफर्स टू फिलिंग कलर इन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम लाइट टू डार्क विच शेड टू एन ऑब्जेक्ट और अ कलर फॉर्म बाय मिक्सिंग वेरियस कलर्स इन एन ऑब्जेक्ट स्टेप वन सेलेक्ट द फ्लार विद द हेल्प ऑफ सेलेक्शन टूल स्टेप टू चूज द पेंट बकेट टूल स्टेप थ्री क्लिक ऑन द फिल कलर ड्रॉप डाउन एरर फॉर गेटिंग द कलर पैलेट स्टेप फोर चूज द ग्रेडियंट इफेक्ट एंड देन क्लिक इन साइड द ऑब्जेक्ट द ग्रेडियंट कलर विल फिल द शेप तो बच्चों ग्रेडियंट फिल को हमें यहाँ पे अप्लाई करना सिखाया गया है ग्रेडियंट जो होता है वो आपका रेफर करता है फिलिंग टू कलर्स इन एन ऑब्जेक्ट अब ये दो कलर्स को जो आपके लाइट से डार्क कलर में होते हैं उनको ये आप किसी भी ऑब्जेक्ट में जब फिल करते हो तो ये एक तरह का शेडी इफेक्ट देता है ठीक है अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे हम इसे अप्लाई करेंगे अपने फ्लैश के जो स्क्रीन होती है उसमें स्टेप वन यहाँ पे बताया गया है कि आपको सबसे पहले सिलेक्शन टूल को क्या करना है उसके मदद से आपको फ्लार को सेलेक्ट करना है ठीक है उसके बाद आप पेंट बकेट टूल को सेलेक्ट करेंगे चूज करेंगे उसके बाद आप जाएंगे फिल कलर पे ठीक है उसके बाद आपके सामने एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा जिसमें आपके सामने कलर पैलेट खुल जाएगी ठीक है आपको चूज करना है ग्रेडियंट इफेक्ट और फिर आपको क्लिक करना है इनसाइड द ऑब्जेक्ट ठीक है तो आप देखोगे जो ग्रेडियंट कलर है वो आपके शेप के अंदर क्या हो जाएगा फिल हो जाएगा क्रिएशन ऑफ अ न्यू ग्रेडियंट Two types of gradients can be created using Flash. Linear gradient, it changes the color from a starting to end point in a straight line. Radiant gradient, it changes color in the circular outward direction beginning from the focal point. Follow the steps given below for creating a new gradient. Step 1 Select the stem of the flower. Step 2 click on window color mixer option for displaying the color mixer panel. Step 3 click on the drop down down of fill style box and the chosen linear or radial. Step 4 double click on the left color marker and the color palette will appear. Choose green color. Step 5 choose the paint bucket tool and click on the stem. Step 6 Double click on the right color marker and then choose a light green color. Step 7 Click on the drop down arrow below the free transform tool and choose gradient transform tool from the tools panel. Click on the stem filled with a gradient fill. The gradient transform will control the appearance on the stage around the object. Step 8 for rotating the gradient fill, drag the gradient rotate handle clockwise as shown in the figure. A bounding box with editing handles will appear. Step 9 For scaling a linear gradient or a file, drag the square handle present at the center of boundary box. Step 10 For altering the focal point of a circular gradient, drag the middle circular handle on the bounding circle. अब आप कैसे न्यू ग्रेडियंट को क्रिएट कर सकते हो ये भी यहाँ पे बताया गया है ठीक है आप दो तरह के ग्रेडियंट्स को क्या कर सकते हो क्रिएट कर सकते हो यूजिंग फ्लैश ठीक है पहला होता है आपका लीनियर ग्रेडियंट लीनियर ग्रेडियंट जो होता है ये आपके कलर को चेंज करता है और फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट ठीक है इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब ये स्ट्रेट लाइन में आपके कलर को चेंज करता है ग्रेडियंट रेडियंट जो होता है ये आपके कलर को चेंज करता है इन सर्कुलर आउटवर्ड डायरेक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट जो मतलब बीच में से स्टार्ट होता है ये बाहर की तरफ को क्या करता है ग्रेडियंट इफेक्ट देता है अब यहाँ पे बताया गया है कि आप कैसे न्यू ग्रेडियंट को क्रिएट कर सकते हो सबसे पहले आपको स्टेम ऑफ द फ्लावर को क्या करना है सेलेक्ट करना है ठीक है जहाँ पे भी आपको ग्रेडियंट इफेक्ट डालना है आपको उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या करना होगा सेलेक्ट करना होगा उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑन विंडो कलर मिक्सचर ऑप्शन ठीक है जो आपको डिस्प्ले करेगा कलर मिक्सर पैनल में ठीक है उसके बाद आप के सामने एक ड्रॉपडाउन लिस्ट होगी उसमें से आप क्या करेंगे कोई भी स्टाइल आप चूज करेंगे ठीक है और उसके बाद आप लीनियर या रेडियल कोई भी दो कलर आप चूज कर सकते हैं कोई दो इफ़ेक्ट आप स्टाइल चूज कर सकते हैं उसके बाद आप डबल क्लिक करेंगे ऑन द लेफ्ट कलर मार्कर ठीक है एंड द कलर पैलेट जो होगी वो आपके सामने अपेयर हो जाएगी उसके बाद आपको ग्रीन कलर चूज करना है क्योंकि हमें स्टेम में कलर भरना है और स्टेम कौन से कलर की होती है फ्लार की ग्रीन कलर की होती है इसलिए हमें ग्रीन कलर चूज़ करना पड़ेगा उसके बाद आप चूज करेंगे पेंट बकेट टूल को उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑन द स्टेम ठीक है फिर आप डबल क्लिक करेंगे ऑन द राइट कलर मार्कर एंड फिर आप चूज करेंगे लाइट ग्रीन कलर ठीक है पहले आपने डार्क ग्रीन चूज़ किया था उसके बाद आप लाइट ग्रीन कलर को चूज करेंगे उसके बाद आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पे जो कि कहाँ होता है आपके फ्री ट्रांसफॉर्म टू, टूल के नीचे होता है उसके बाद आप चूज करेंगे ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल ठीक है उसके बाद आप दोबारा से उस स्टेम पे क्लिक करेंगे और आप फिल करेंगे विद ग्रेडियंट फिल फिर आप देखोगे जो ग्रेडियंट है वो फॉर्म हो जाएगा आपके किस में आपके ऑब्जेक्ट के अंदर नेक्स्ट आप करेंगे आप रोटेट करेंगे ग्रेडियंट फिल को ठीक है उसके बाद आप क्या करेंगे ड्रैक करेंगे ग्रेडेंट रोटेट हैंडल को क्लॉकवाइज ठीक है आपको पता ही है क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है उस तरह से आपको उसको घुमाना है ठीक है उसके बाद एक बाउंडिंग बॉक्स जो होगा वो आपके हैंडल मतलब एक एंडिंग हैंडल के साथ वहाँ पे अपीयर होगा उसके बाद आपको क्या करना है आपको लीनियर ग्रेडियंट को अगर स्केल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको स्क्वायर हैंडल को ड्रैग करके वहाँ पे लेके आना पड़ेगा कहाँ पे एट द सेंटर ऑफ द बाउंड्री बॉक्स ठीक है ऑल्टरिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको फोकल पॉइंट अगर आपको उसको ऑल्टर करना है किसी सर्कुलर ग्रेडियंट के तो आपको उसको ड्रैग करके मिडल सर्कुलर हैंडल पे लेके आना होगा कहाँ पे बाउंड्री सर्कल के नाउ एडिटिंग एन ऑब्जेक्ट सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी सेलेक्टेड बिफोर एडिटिंग इट स्टेप वन क्लिक ऑन द सेलेक्शन टूल स्टेप टू क्लिक And drag the selection box around the object and then release the mouse button or double click on the object for selecting both stroke and fill. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट को एडिट करना है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा सेलेक्ट करना होगा ठीक है उसके बाद आप सेलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे ठीक है उसके बाद आप क्लिक करेंगे और सिलेक्शन बॉक्स को आप ड्रैग करके लेके आएंगे अराउंड द ऑब्जेक्ट ठीक है उसके बाद आप माउस बटन को क्या कर देंगे रिलीज कर देंगे या फिर आप सिंपली ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं ताकि आप उसके स्ट्रोक और फिल को क्या कर सको सेलेक्ट कर सको नाउ ट्रांसफॉर्मिंग द शेप लाइन्स एंड शेप्स कैन बी स्केल्ड रोटेटेड कंप्रेस्ड स्ट्रेस्ड और स्क्यूड विद द हेल्प ऑफ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल फॉर कंप्राइजिंग आ ड्रॉइंग फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो स्टेप वन ड्रॉ अ पेंटिंग

स्केल की जा सकती है रोटेट की, की जा सकती है कंप्रेस की जा सकती है ठीक है विद द हेल्प ऑफ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल अब ये हम कैसे करेंगे यहाँ पे हम स्टेप के थ्रू जान लेते हैं यहाँ पे आपको सपोज ड्रॉ करना है एक पेंटागन विद द यूज ऑफ पॉलीस्टार टूल ठीक है मतलब पॉलीस्टार टूल जो है वो आपको हेल्प करेगा पेंटागन ड्रॉ करने में उसके बाद आपको चूज करना है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को जो कि कहाँ मिलेगा आपको टूल्स पैनल में मिलेगा ठीक है उसके बाद आप डबल क्लिक करेंगे ऑन द हैक्सगन ऑन द स्टेज उसके बाद आप ड्रैग करेंगे हैंडल को ऑफ द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और फिर उसको डाउन लेके आएंगे फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द पेंटेगन ठीक है इन द फॉलोइंग शेप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं पेंटागन को फॉलोइंग शेप्स में चेंज कर सकते हैं नाउ मूविंग एन ऑब्जेक्ट स्टेप वन चूज द ऑब्जेक्ट दैट हैज टू बी मूव्ड विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल स्टेप टू प्लस साइन विल अपीयर नेक्स्ट टू द एरो स्टेप थ्री क्लिक एंड ड्रैग द ऑब्जेक्ट टू अ डिफरेंट पोजिशन स्टेप फॉर रिलीज द माउस अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है किस कैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा ठीक है फिर आप सिलेक्शन टूल की हेल्प से जैसे आपने उसको मूव कर दिया या उसको सेलेक्ट कर दिया उसके बाद आपके सामने एक प्लस का साइन आएगा ठीक है जो आपके जो एरोज होते हैं उसके एंड में आपको नेक्स्ट में नजर आएगा उसके बाद आपको क्या करना है क्लिक करना है ठीक है उस पर और फिर आपको अपने माउस की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके लेके जाना है टू डिफरेंट पोजिशन ठीक है उसके बाद जब आप उसको डिफरेंट पोजिशन पर ड्रैक करके लेके जाएंगे तो आप अपने माउस को रिलीज कर देंगे इम्पोर्टिंग ग्राफिक्स फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो स्टेप वन क्लिक ऑन फाइल इम्पोर्ट इम्पोर्ट टू स्टेज द इम्पोर्ट डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड स्टेप 2 ब्राउज एंड चूज़ द फाइल विच हैज़ टू बी इम्पोर्टेड क्लिक ऑन ओपन ठीक है अगर आपको अपनी फाइल को या ग्राफिक को इंपोर्ट करना है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा सबसे पहले फाइल पे उसके बाद आप जाएंगे इंपोर्ट पे उसके बाद आप जाएंगे इंपोर्ट टू स्टेज पे ठीक है उसके बाद आपके सामने एक इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है ब्राउज करना है एंड फिर आपको फाइल को चूज़ करना है ठीक है जो भी आप चाहते हो इम्पोर्ट करना उसके बाद आप क्लिक करेंगे ओपन पे नाउ एनीमेशन इन फ्लैश एनिमेशन इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टिल इमेज विच आर डिस्प्लेड इन रैपिड सीक्वेंस दिस टाक्स इज परफॉर्म्ड सो क्विकली दैट इट अपियर्स टू शो सम मूवमेंट्स एनिमेशंस आर क्रिएटेड बाय मॉडिफाइंग द कंटेंट्स ऑफ सक्सेसिव फ्रेम्स एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड टू मूव अक्रॉस द स्टेज Its size can be increased or decreased. It can be faded in or out, and its color and shape can be changed with the help of animation. Flash provides two ways of creating animation. First, frame by frame animation images are created in every frame. Second, twinned animation. The starting and ending keyframes are created for animating the object.

कोई एनिमेशन वहाँ पे क्रिएट किया गया है कि वो वहाँ पे कोई क्या हो रही है मूवमेंट हो रही है ठीक है ये जो टास्क होता है वो बहुत ही क्विकली परफॉर्म किया जाता है दैट इट अपेयर्स टू शो सम मूवमेंट ठीक है ये टास्क जैसे मैंने बताया इतना क्विकली इसको परफॉर्म किया जाता है कि सच में ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है एनिमेशन जो होता है वो क्रिएट किया जाता है बाय मॉडिफाइंग द कंटेंट ऑफ सक्सेसिव फ्रेम्स ठीक है इनको फ्रेम्स में रखा जाता है फिर वहाँ पे उन्हें क्रिएट किया जाता है एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसको बनाया जाता है ताकि स्टेज पे उसे क्या किया कराया जाए मूव कराया जा सके ठीक है उसके साइज़ को आप इंक्रीज कर सको या फिर डिक्रीज़ कर सको उसको आप फेड भी करना चाहो तो फेड भी कर सकते हो और उसको फेड आउट भी फेड इन फेड आउट भी कर सकते हो इसकी शेप्स इसके कलर्स को आप चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन अब फ्लैश जो होता है वो आपको दो तरीके से आपके एनिमेशन को क्रिएट करने में हेल्प करता है एक होता है आपका फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन जो कि आपकी इमेजेस को क्रिएट किया जाता है हर एक फ्रेम में दूसरा होता है आपका ट्वीन एनिमेशन ठीक है इसमें आपके जो स्टार्टिंग और एंडिंग की फ्रेम्स होते हैं उनको क्या किया जाता है क्रिएट किया जाता है फॉर एनिमेटिंग द ऑब्जेक्ट उसके बाद फ्लैश जो होता है वो क्रिएट करता है उनमें मोशन इफेक्ट को इन बिटवीन द फ्रेम बाय इट्सल्फ ठीक है नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्लैश इज एन एनिमेशन सॉफ्टवेयर पैकेज विच वॉज डेवलप्ड बाय अडॉप सिस्टम्स द वर्क स्पेस इज द अरेंजमेंट ऑफ द Different flash components like tools, panels, control panels, property inspector, and stage. The stage is a rectangular workspace area present at the center where the contents are placed or drawings and movies are created. Timeline is a fixed window which remains on top of every object in the workspace. Playhead depicts the current frame which can be displayed on the stage two types of gradients can be created using flash linear gradient and radial gradient so students i hope you understood the chapter now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself